आदरणीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, गुरु पूर्णिमा भारतवर्ष में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन धर्मशास्त्र में होली, दिवाली, रक्षाबंधन ये सबकी चर्चा है और इतिहास है। गुरु पूर्णिमा का इतिहास नहीं मिलता, किंतु है ये प्राचीन। गुरु की पूजा करके चौमासा शुरू होता था। पहले यातायात साधन कठिन था, सड़कें ऐसी नहीं थी, यान तो ऐसे थे ही नहीं। यान में रथ, बैलगाड़ी और पानी में नौका, थोड़ी बड़ी जहाज भी, बाकी और कोई यान नहीं था। वर्षा में साधु संत आश्रमों में टिकते थे और गृहस्थ लोग भी छावनी बना करके साधुओं को चौमासा रखते थे। गृहस्थों का निमंत्रण होता था साधुओं के लिए, वे छावनी बनाते थे और उनके यहाँ चौमासा निवास होता था। रोज सत्संग होता था, गृहस्थ लोग सुनते थे, संत लोग तो रहते ही थे। इसकी शुरुआत गुरु पूजा से शुरू होती थी और ये धीरे धीरे काफ़ी रूढ़ हुआ। गुरु की आवश्यकता क्या है, ये सहज जाना जा सकता है कि बिना गुरु के किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। टोकरी बनाने का ज्ञान, खाट बीनने का ज्ञान, जूता टांकने का ज्ञान भी गुरु बताता है, सबके उस्ताद होते हैं। जीव स्वभाव से गुरु है लेकिन बोध नहीं है। जिसके जीवन में बोध हो गया है और जिन्होंने अपने गुरुत्व का उद्घाटन कर लिया है, ऐसा महापुरुष दूसरों का गुरु होता है। वेदांती कहते हैं कि जीव ब्रह्म हो जाता है, पारखी कहते हैं जीव गुरु हो जाता है। भाषा का अंतर है, गुरु नाम श्रेष्ठ, ब्रह्म नाम श्रेष्ठ। लेकिन ब्रह्म कहने पर भी गुरु की आवश्यकता वहाँ भी है। जब गुरु मिलेगा तो ब्रह्म स्वरूप बताएगा। गुरु की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। एक ऐसा पथ प्रदर्शक हमारा होना चाहिए जिसका ज्ञान सही हो और आचरण सही हो। सही ज्ञान भी दुर्लभ है, इतनी मिलावट है ज्ञान में, धर्म के नाम पर इतनी धांधलेबाजी है कि हद है। अभी चीन से फोन आया था, 15 मिनट तक वो बात करते रहे। उन्होंने कहा, साहब यहाँ भोजन में कोई नमक नहीं लेता, कोई मिर्चा मसाला नहीं लेता, शक्कर का बहुत कम उपयोग करते हैं, यहाँ के लोगों में पेट निकला हुआ दिखाई नहीं देता है, दहेज नाम की चीज नहीं है, विवाह माँ बाप लड़कों से और लड़कियों से कह देते तुम अपना वर वधु खोज लो, और जब तय कर लिए तो होटल में चले गए, एक दूसरे को अंगूठी पहना दिए, 10-15 लोग मित्र लोग, बस हो गया विवाह, कोई ज़्यादा खर्च नहीं। हमारी इंडिया में कोई बात हुई पारिवारिक तो बहुत कलह, बहुत देर तक सोचते हैं, महीनों वर्षों। यहाँ कुछ हो जाता है, थोड़ा सोच के छोड़ा, रे तो होने वाला था। और ये लोग ईश्वर नहीं मानते हैं, कोई कर्मकांड नहीं मानते हैं, कहीं पूजा नहीं है, ज्योतिषी दिखाई नहीं देते हैं,
भिखमंगे दिखाई नहीं देते हैं, जादू मंत्र टोना करने वाला कोई मिलता नहीं है। हम कहें कम्युनिज्म का प्रभाव है, और कम्युनिज्म की बहुत बातें अच्छी हैं। तो धर्म के नाम पर इतनी ढकोसलेबाजी भारत में हो गई है, इतनी बदमाशी हो गई है कि हद हो गई। दो नंबर का धंधा गुरु लोग कर रहे हैं, चमत्कार, अतिशयोक, अंधविश्वास फैला करके समाज को गुमराह कर रहे हैं। आत्मज्ञान, सदाचार, नैतिकता पर जोर देने वाले कम हैं, तो दो नंबर का माल धर्म में खूब मिला है। हमें विवेकी होना चाहिए। धर्म का सच्चा स्वरूप हमारे सामने आना चाहिए। धर्म है अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव, बस इतने धर्म है। जो अपने पर जितना संयम करेगा दूसरे के साथ शील का उतना बर्ताव करेगा, जो जितना असंयमित होगा उतना क्रूर होगा, जितना लुलुपी होगा उतना क्रूर होगा, जितना संयत होगा उतना दयावान होगा। और इसी में सारा धर्म समाहित है। गुरु का अर्थ होता है श्रेष्ठ, गरिष्ठ, परिपक्व। कुछ जीवों की अलग क्वालिटी नहीं होती है गुरु की, सब जीवों के मूल में गुरुत्व है। सब जीव बराबर है, सब जीव को, सब आत्मा को एक बात है। जीव सादा शब्द है, सब जीव गुरु है, लेकिन उनका गुरुत्व छिपा है। एक तो समझ नहीं है और दूसरे आचरण नहीं। आप जड़ नहीं है, चेतन है। आप परिवर्तित नहीं, अपरिवर्तित है। आप निर्मित नहीं है, अनिर्मित, अनादि और शाश्वत है। आप कह सकते हैं, ये तो शैली है कहने की, इसमें तर्क क्या है? मेरे अनादि शाश्वत अविनाशी होने में क्या तर्क है? जो दूसरे से सर्वथा विलक्षण हो वो नित्य होता है, और जो दूसरे के लक्षणों से लक्षित हो उसी से निर्मित होता है। चेतना, चैतन्य, चेतनात्मा समस्त जड़ पदार्थों से बिल्कुल विलक्षण है। मिट्टी, पानी, आग, हवा कहें, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कहें, सारे जड़ पदार्थों से वो बिल्कुल विलक्षण है, इसलिए वो नित्य है। जीव जड़ तत्वों से नहीं बना है, क्योंकि जड़ तत्वों से बना होता तो जड़ होता, उसमें चेतना ना होती। मिट्टी, पानी, आग, हवा में चेतना नहीं है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, रेडियम इत्यादि में चेतना नहीं है। जब मूल द्रव्य में चेतना नहीं है तो उनके कार्यों में चेतना कैसे आएगी? चेतना एक स्वतंत्र गुण है, गुण द्रव्य में रहता है। चेतना रूपी गुण का द्रव्य चेतन है, आत्मा है, जो मैं के रूप में, अहम के रूप में, मैं हूँ, मैं जानता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं काम नहीं करूँगा, जो मैं कहने वाला है वो आत्मा, वो चेतन है। तत्व तो मैं तू नहीं कहते हैं, निर्जीव पदार्थ मैं तू नहीं कह सकते हैं। ज्ञानीय दशा, ज्ञानवान होना, ये विलक्षण लक्षण है। इन लक्षणों से लक्षित आत्मा
अनादि अनंत शाश्वत है। और इस जीवन में हम बचपन से आज तक देखते हैं, हमारी स्मृति है, 5 वर्ष की उम्र की बातें याद हैं, फिर और ऊपर जाते हुए तो और याद होती जाती हैं। भौतिकवाद के अनुसार शरीर के सारे कण 7 वर्ष में बदल जाते हैं। अगर भौतिक पदार्थों का समुच्चय में होता तो 7 वर्ष पुरानी बातें याद न रहती। अगर आदमी 21 वर्ष का हो गया है तो 3 बार बिल्कुल आमूल चूल बदल चुका है। 60, 70, 80, 90 वर्ष का है, कितनी बार उसके शरीर में एकदम परिवर्तन हो चुका है। लेकिन दृष्टा, मन्ता, साक्षी, बोधा, ज्ञाता एक समान है। जो दृष्टा है वही ज्ञाता है, जो ज्ञाता है वही बोधा है, जो बोधा है वही मन्ता है। दृष्टा देखने वाला, ज्ञाता जानने वाला, और बोधा बोध करने वाला, अच्छी तरह से जानने वाला, मन्ता मनन करने वाला, वो एक ही तत्व है मैं के रूप में। वो नित्य पदार्थ है, वो स्वभाव से निर्विकार है। उपाधि में पढ़ करके स्विकार बनता है। जैसे एक आदमी बैठा है, साफ सुथरा चित्त है, किसी बात की याद आ गई तो उसकी बवंडर उसके दिमाग में आ गई, तो याद की उपाधि से विकार आया। किसी संबंध में हलचल हो गई तो विकार आया, उपाधि यानी संबंध से विकार आता है। आत्मा का स्वरूप निर्विकार है, उसी निर्विकारता को स्थिर रखना। पहले ये समझना कि आत्मा निर्विकार है, ये जीव आत्मा ही गुरु है, श्रेष्ठ है, शुद्ध बुद्ध है और स्वभाव से निर्विकार और निर्मल है। संबंध में पढ़ करके स्वीकारी हुआ है, इसलिए अपने आप को साध करके निरंतर निर्विकार स्थित में रहना है। ये बोध होना चाहिए, ये बोध गुरु देता, जो देता वही गुरु है। और फिर गुरु वैसा निर्विकार चित्त का है, जो कहता है वैसे वो रहता है। तो साधकों पर प्रेरणा हो, साधकों के लिए प्रेरणा होती है, गृहस्थ साधु सब के लिए प्रेरणा होती है। काम क्रोध लोभ मोह में नहीं पड़ना चाहिए, सब कहते हैं और इसमें सब उलझे रहते हैं, साधु भी उलझे रहते हैं। तब होता है कि ये कहानी सुनने का तरीका है, सब तो उलझे हैं। लेकिन अगर कोई है कि नहीं उलझा है, तब साफ जाहिर होता है कि ऐसा जिया जा सकता है। और जब इतना बोध हुआ कि जिया जा सकता है, सामने उदाहरण है, तो बल मिलता है। गुरु उपदेश करता है और उसकी पवित्र रहनी से हम प्रेरित होते हैं, ऐसे गुरु की आवश्यकता है, जिसका बोध सही हो और रहनी पवित्र हो। वेदांत में इसको श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। निर्गुणी धारा में रहनी संपन्न और बोधवान कहते हैं। बात वही है, श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ। वेदांतियों की भाषा, श्रोत्री नाम बहुत सुना हुआ, पहले पुस्तकें नहीं थी, गुरु सुनाते थे, से सुनता था, सुनते सुनते पंडित हो जाता था, तो इसलिए श्रोत्री कहा जाता है। विद्वानों में आज भी कहा जाता है वो बहुत श्रोत्री हैं, यद्यपि वो सुनते कम है पढ़ते ज़्यादा हैं, लेकिन श्रोत्री का अर्थ ही है बहुत सुना हुआ, बहुत ज्ञानी। तो श्रोत्री हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, यानी आत्मलीन हो। कबीर साहब की परंपरा की भाषा, रानी बोध संपन्न, बोध वही ब्रह्मनिष्ठ,
ज्ञान श्रोत्री होने का अर्थ है बोध, और रहनी उस दशा में रहना, ज्ञान होना फिर उस दशा में रहना, आत्मलीन रहना, स्वरूपलीन रहना। तो भाषा तो भिन्न मतों द्वारा होती रहती है, अलग अलग शब्द बनते रहते हैं, लेकिन तथ्य एक है, गुरु में दो लक्षण चाहिए। आत्मा का उसी यथार्थ ज्ञान हो और निर्मल चित्त हो करके आत्मलीनता में उसका अभ्यास हो, आत्मलीन हो, और इसका परिणाम है कि उद्वेग शून्य हो। जब वो आत्मज्ञानी होगा, आत्मरत होगा, तो उद्वेग शून्य होगा। ऐसे गुरु की जरूरत है, उससे हमें ज्ञान मिलेगा और रहनी के लिए प्रेरणा मिलेगी। जीवन केवल कमाने खाने के लिए नहीं। उसी युवक ने चीन से जो अभी बात कर रहा था, कहा साहब मैं चाहता हूँ कुछ काम करूँ और जीवन को साधना में लगाऊं, क्योंकि यही समय है जवानी, नहीं तो थोड़े दिन में सब खराब हो जाएगा। केवल पैसा तो जीवन का उद्देश्य नहीं है, गुजर बसर है, और गुजर बसर के बाद काम जो असली करना है। तो मैंने उसको धन्यवाद दिया। अभी नौजवान है, नौजवान लोग कम ऐसा सोचते हैं, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो साधुओं में नौजवान ही ज़्यादा आते हैं, गृहस्थों में भक्ति में लगने वाले नौजवान बहुत हैं। तो समय यही है, सुख सबको प्रिय है, और असली सुख मिलता है मन की शांति में। आदमी बहुत बवंडर मचाता है बाहरी पदार्थों के लिए, और उसका परिणाम होता है कि उसके मन में खुराफातों का जखीरा इकट्ठा हो जाता है, अवंत में कुछ हाथ लगता नहीं है। लेकिन तब अवसर नहीं रह जाता है। एक जीव देह छोड़ करके पेड़ पर जाके बैठे और विगत जीवन की सारी स्थितियों को देख सके, तो अपने जीवन पर उसको ग्लानि होगी, पश्चाताप होगा कि मैं कहाँ कहाँ उलझता रहा, अब कुछ मतलब नहीं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। विवेकवान इसी जीवन में उसको देखते हैं, देह में रहते रहते देह से ऊपर उठकर अपने जीवन को देखते हैं कि ये सब जानो बीता हुआ है, कुछ रहने वाला किसी का नहीं, किसी का कुछ है ही नहीं, यही सच्चाई है। लगता है कि कुछ मेरा है, भयंकर धोखा है। इसी धोखे में सब जीव छले जा रहे हैं। इस बाजार में आए हैं सौदा कर लें आत्मज्ञान का, अपने आप की पहचान और अपने आप की निर्मलता का संपादन, यही मुख्य काम है मनुष्य का। अपने आप को पहचान ले और अपनी निर्मलता का पूरा संपादन कर ले, इसके लिए गुरु की जरूरत है। और कोई भी जो सन्मार्ग में लगा होगा अभ्यासी, ये महसूस करेगा, नया जिज्ञास तो महसूस करेगा ही। मैं स्वयं महसूस करता हूँ, मेरे गुरुदेव न मिले होते, श्री राम सूरत साहब मेरे गुरुदेव हैं, वे न मिले होते, उनकी शरण में मैं न आया होता, तो जो स्थित मुझे आज मिली है कहाँ मिलती, पता नहीं कहाँ भटकता होता, क्या दयनीय दशा होती। सदगुरु मिले, रास्ता दिखाए, शरण दिए, आधार मिला, समझा लगा, और वह सौभाग्य प्राप्त हुआ जीवन में जो करना चाहिए उस काम में रतिगति हुई,
सब गुरु की कृपा का फल है। इसलिए गुरु उपासना भारतीय परंपरा में नहीं पूरे विश्व में व्याप्त है। सूफियों में गुरु के प्रति इतना समर्पण है कि गुरु की सेवा में तो पागल हो जाते हैं, उनके वचन पर एकदम तनमन नहीं समझते। मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन सूफियों की रहनी देखने वालों ने मुझसे कहा, जो सिंध के तरफ के लोग थे उन्होंने बताया कि साहब अपनी आँखों से मैंने देखा सूफी संतों में गुरु के प्रति जो समर्पण होता बड़ा अद्भुत होता है। जहाँ से माल मिला हो वहाँ का उपकार कौन ऐसा होगा जो नहीं मानेगा। सबसे बड़ा माल आत्मबोध है, अपने आप का बोध। जीव बोधी बन करके भटक रहा है और कुछ मिलना जुलना नहीं है, खुराफात मिलना है। धन मिला, परिवार मिला, मान मिला, प्रतिष्ठा मिली, पद मिला, पता नहीं क्या क्या मिला, बाबा लोगों को भी मठ मिला, चेले मिले, जगत गुरु हो गए, क्या मिला ये सब? ये सबसे खुराफात उनको मिलेगी। अगर वो साधक हैं, अंतर्मुख हैं, तो उनको मिला अपना बादशाही तख्त मिला। आत्म स्थित ही बादशाही तख्त है। जिसका मन उद्वेग शून्य है, कामना शून्य है, अहंकार शून्य है, जो सब समय सब कुछ का अंत देखता है, अपने शरीर का अंत हर क्षण देखता है, पूरे जीवन को वो समाप्त देखता है, उसका मन गहरी शांति में निरंतर रहता है, उसके समान कौन सफल होगा संसार में? यही गुरुत्व पद है। एक गुरुत्व पद है शिक्षा दीक्षा दे करके, संस्कार दे करके लोगों को सन्मार्ग में लगाना, एक गुरुत्व, इसकी भी जरूरत है। मैं दीक्षा नहीं देता था तो गुरु जी ने मुझे बुला करके कहा, मैं तुम्हें न देता तो तुम कैसे लगते? तो देखो अमुक अमुक लोग बहुत कहते हैं, तुम उधर जाओ और दीक्षा दे दो। अब मैं इसका उत्तर क्या देता? गुरु जी ने कहा मैं तुम्हें न देता, तुम्हें न लगाता शरण में, तो तुम्हारी क्या दशा होती? तो दूसरे चाहते हैं तुम क्यों नहीं देते हो? तो वो विरक्त की बात नहीं, तो गृहस्थ की थी, उसमें हमारी जिम्मेदारी भी कोई नहीं थी। तो विरक्त आते हैं तो जिम्मेदारी बढ़ती है। तो दीक्षा देना, लोगों को सन्मार्ग में लगाना, ये गुरुत्व भी ठीक है, लेकिन अपने को संभाल करके काम करना चाहिए। लोग अपना ही कुछ ताव भाव नहीं जानते हैं, अपनी रहनी कहानी ठीक नहीं है, बोध नहीं है, और गुरु बन करके घूमते हो, अपना विनाश करते हैं। गुरु शिष्य की परंपरा, दीक्षा शिक्षा, इसका महत्व है। लेकिन जो खास गुरुपद है वो है निष्काम दशा। सब जीव गुरु हैं लेकिन उनका गुरुत्व छिपा है। जब यथार्थ गुरु मिलते हैं, वो बोध देते हैं, तब अपना गुरुत्व उद्घाटन होता है। बोध हुआ अपने स्वरूप का कि देह मन वाणी इंद्रियां प्राण रक्त वीर्य ये सबसे अतीत शुद्ध चैतन्य आत्मा मेरा स्वरूप है, और इसके साथ सारे मनोविकारों को छोड़ करके जो आत्मरत हो गया, आत्मलीन हो गया, आत्मसंयत हो गया, वो गुरु हो गया, उसका गुरुत्व उद्घाटित हो गया। दीपक से दीपक जलता है, ये उदाहरण आप कहते सुनते रहते हैं। गुरुत्व का उद्घाटन ऐसे है, शिष्य में जो जीव है और गुरु में जो जीव है दोनों समान है। आत्मा में कोई ऊंचा नीचा नहीं है। एक है अपनी दशा को समझ लिया है,
और अपनी दशा में स्थित है। एक अभी अपने को समझा नहीं, अपनी दशा में स्थित नहीं, उस पूर्ण बोधवान और रहनी संपन्न गुरु से जिस दूसरे ने अपने को समझ लिया और अपनी दशा में स्थित हो गया, वो भी वैसे हो गए। दो देह जब दूरी बहाए गुरु शिष्य पारक कहलाए, ये पूर्ण साहब ने कहा है। गुरु शिष्य दोनों ने देह के अहंकार को दूर फेंक दिया, दोनों पारक हो गए। वेदांति कहते दोनों ब्रह्म हो गए, बात एक है। पारक यानी ज्ञान, ब्रह्म भी ज्ञान। तो गुरुत्व सबके अंदर में है, सब जीव गुरु रूप हैं, लेकिन अपने पहचानते नहीं, इसलिए बिलबिला रहे हैं। देह प्राण मन इंद्रिय बुद्धि, इससे घिरे हुए नाना विकारों में उलझे हुए, दुनिया के ताप में तपते हुए रोते रोते जिंदगी बिता देते हैं, व्यर्थ में रोते। जहाँ कुछ उनका नहीं उसके लिए रोते हैं। जब गुरु बोध देता है, भ्रम मिटता है, तो जैसे सपने से कोई जग जाए, वो दशा आती है। सपने में बहुत हान थी, बहुत लाभ था, नींद खुली दोनों झूठे ठहरे। जगे हुए व्यक्ति सपने के पदार्थों को बटोरने नहीं चाहता है। इसी प्रकार जो जग गया है मोह से, दुनिया के पदार्थों में अहंता ममता नहीं करता है, वो अपने गुरुत्व में स्थित हो गया। सब लोगों को चाहिए कि ये विवेक करें। सब जीव गुरु रूप हैं, श्रेष्ठ रूप हैं, शुद्ध रूप हैं, कृतार्थ रूप हैं, मौलिक रूप में सब मंगलमय हैं। अमंगलता अबोध और विकार के कारण है। गुरु द्वारा बोध प्राप्त करके और उनके साहचर्य से अपने मनोविकारों को धोकर जो अपनी दिव्य स्थित में स्थित हो गया, वो भी वैसे हो गया, कृतार्थ हो गया। इसलिए हम आपको सबको चाहिए इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर मन में प्रतिज्ञा करें कि जो हमारा आत्मा गुरुत्व पूर्ण है, महानता से पूर्ण है, जो स्वभाव से ही कल्याणमय है, भ्रम से दुखी है, अज्ञान से दुखी है, अब गुरु और संतों की संगत करके उसका यथार्थ बोध प्राप्त करना है और अपने मन को निर्मल कर लेना है और अपनी दशा में स्थित हो जाना है। इसी के लिए जीवन भर गुरु संत पूज्य श्रेष्ठ सबका आदर करना है। भक्त गृहस्थ लोग जो थोड़ा थोड़ा विचार दे देते हैं, कितना लाभ उसमें होता है, उतने अंश के लिए वे गुरु होते हैं। जहाँ से हमें थोड़ा भी निर्देश मिलता है, कितना हमारे लिए कल्याणकारी होता है। जीवन भर भक्ति बनी रहनी चाहिए। ज्ञान वैराग से संपन्न हो गया, अब आगे चल करके अहंकार हो गया तो गिर जाएगा। सही ज्ञान वैराग होने पर अहंकार होगा ही नहीं, लेकिन इसमें भी परत पर परत होते हैं। कुछ त्याग आ गया तो मान लिया हम वैरागवान हो गए और भटक गए लोग। इसलिए भक्ति जीवन भर जरूरी है। जो भक्त छोड़ देता है वो रहनी में नहीं टिक पाता है। कितने लोग 50-50 वर्ष के हो गए साधना करते करते, अब अहंकारी होकर के भटक गए। इसलिए भक्ति शुरू में, मध्य में, अंत में सब जगह जरूरी है। हम सब गुरु संतों से निर्देश ले करके अपने आत्मा के स्वरूप को समझें और साधना द्वारा अपने चित्त को निर्मल करें और अपनी दशा में स्थित हों। ध्यान बाहरी आलंबन लेकर के मन का ठहराना एक ध्यान होता है,
आंखें बंद की, बंद आंखों में अंधकार प्रकाश दिखाई दिया, उसी में मन टिकाए, ये ध्यान है। ये परम ध्यान नहीं, परम ध्यान है कुछ न सोचना, संकल्पों का त्याग कर दिया, अपने आप शांत। लेकिन ये सहज नहीं, इसलिए पहले कोई आधार लेकर के तब अभ्यास किया जाता है। जब अभ्यास वैराग दोनों बढ़ता है, चित्त की अनासक्ति और अभ्यास ये दोनों बढ़ते हैं, तब कभी अवस्था आती है कि संकल्प शून्य हो करके साधक शांत हो गया। ये अंतिम अवस्था है। जागृत में रहते रहते संकल्प शून्य होकर शांत हो गया, निर्भय हो गया, मौत के समय यही होगा, भूलते भूलते सब भूल जाएगा, बस मौत। ध्यान समाधि मौत है, मृत्यु है। इस मृत्यु का अभ्यास रोज करने से आदमी निर्भय हो जाता है। याद करके दुनिया कूड़ा कबाड़, हर शोक हानि लाभ शोक मोह सब होता है, और सब भूल गए तो कोई दुख नहीं। जो जागृत अवस्था ही में समय समय से सबको भूल करके आत्मलीन हो जाता है, उसका सब भय मिट जाता है और मृत्यु का वर्णन वो पहले कर लेता है। इसी जीवन में मृत्यु स्वीकार लिया, सब भुला देता है, समाधि में लीन हो गया, सब भूल गया। ये अंतिम अवस्था है, निर्भय पद, जहाँ सब भूल जाता है, अपने आप शेष शिव तत्व, शेष तत्व, बका। सूफी संत बका कहते हैं, बाकी बचा हुआ। सबको छोड़ दिया तो आत्मा शेष है, वही बच गए, अंतिम गुरुत्व स्थित है। इस दिशा को समझो, करो, चलो। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। की जय।